हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। तो शाम में सांसद धर्मवीर सिंह ने मंगलवार को लोक निर्माण विश्राम गृह में कार्यकर्ताओं की बैठक ली और इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को 2 सितंबर को सीएम की जन आशीर्वाद यात्रा में ज्यादा से ज्यादा पहुंचने का आह्वान किया। तो वहीं सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि कार्यकर्ता जन आशीर्वाद यात्रा को सफल बनाने के लिए बूथ स्तर पर लोगों को पार्टी से जोड़े और कार्यक्रम को सफल बनाएं। और इस दौरान धर्मवीर सिंह ने दावा किया कि 8 सितंबर को रोहतक में होने वाली पीएम की रैली में भी तोशान से करीब 8,000 लोग रवाना होंगे। तो वहीं उन्होंने सभी पन्ना प्रमुखों की बैठक ली और उन्हें रैली को सफल बनाने के आदेश दिए। तो वहीं सांसद धर्मवीर सिंह ने लोक निर्माण विश्राम गृह में लोगों की जन समस्याओं को भी सुना और अधिकारियों को तुरंत हल करने के आदेश दिए। तो साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इलाके में पानी की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का 2 तारीख को यहां से रथ यात्रा है, उसकी तैयारी के लिए लोगों को 8 तारीख को क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी भी रोहतक आएंगे, उसमें पन्ना प्रमुख खासकर अपना पन्ना को लेकर अपने हाथ में, क्योंकि यहाँ तकरीबन 3200 समथिंग पन्ना प्रमुख है, हर पन्ना प्रमुख कम से कम एक आदमी को और साथ लेके जाएगा। ऐसी उम्मीद है कि 7-8 हज़ार आदमी इस तोशान विधानसभा क्षेत्र से 8 तारीख को रोहतक की मीटिंग में आएंगे। इस बात के लिए साथ साथ में जो भी लोगों की जन समस्याएं हैं उनको सुनकर उनका समाधान कैसे हो सकता है, ये मीटिंग कार्यकर्ताओं की इसलिए थी।